हाल ही में स्थगित हुए रुद्राक्ष महोत्सव के बाद अब सीहोर स्थित कुबेरेश्वर धाम में रुद्राक्ष वितरण का सिलसिला शुरू होगा, जहां नववर्ष यानी गुड़ी पाड़वा से शुरू होने वाला रुद्राक्ष वितरण का सिलसिला 6 महीनों तक सतत चलेगा। देखिए यह खास रिपोर्ट। सीहोर के कुबेरेश्वर धाम में शुरू होगा रुद्राक्ष वितरण का सिलसिला। नववर्ष गुड़ी पड़वा से शिव भक्तों को मिलने लगेंगे रुद्राक्ष। पंडित प्रदीप मिश्रा ने बताई रुद्राक्ष वितरण की पूरी व्यवस्था। आईडी प्रूफ लेकर आने वाले भक्तों को मिलेगा रुद्राक्ष। इन दिनों कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा नेपालपुर स्थित 24 अवतार मंदिर में भक्तों को शिव महापुराण कथा का श्रवण करा रहे हैं। वहीं कथा के सिलसिले में वे नगर के पास स्थित बेटमा में ठहरे हुए हैं, जहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए एक बार फिर कुबेरेश्वर धाम में रुद्राक्ष वितरण शुरू करने के संकेत दिए हैं। यहां उन्होंने गुड़ी पड़वा से आगामी 6 महीने तक चलने वाले इस रुद्राक्ष वितरण कार्यक्रम में भक्तों से आईडी प्रूफ लेकर आने की बात कही है। नूतन वर्ष जो हमारा नया संवत्सर आ रहा है, इससे चालू होगा। 6 महीने तक लगातार जो भी अपना आईडी लेकर वहां पहुंचेगा कुबेरेश्वर धाम, उनको रुद्राक्ष प्राप्त होगा। नूतन वर्ष जो हमारा नया संवत्सर आ रहा है, इससे चालू होगा। 6 महीने तक लगातार जो भी अपना आईडी लेकर वहां पहुंचेगा कुबेरेश्वर धाम, उनको रुद्राक्ष प्राप्त होगा। इसी के साथ पंडित प्रदीप मिश्रा ने द कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर क्या कुछ कहा, जरा आप खुद ही सुनिए। उस फिल्म के लिए, द कश्मीर फाइल के लिए, मेरा अपना मत है कि सनातनी भाइयों के लिए और जो हमारे धर्म को अग्रण्य भाव में लेकर जाना चाहते हैं, उनके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारे साथ हुआ क्या था। कोई दूसरे हमको घात पहुंचाने वाले नहीं, खुद अपने ही ऐसे थे जो दूसरों से मिलकर घात पहुंचा रहे थे। इनसे बचना है और आने वाले समय में हमारे घर की बहन बेटियों के साथ में हमारे साथ कोई क्रम ना हो, उसका ध्यान रखें। कुल मिलाकर देखा जाए तो नववर्ष गुड़ी पड़वा से एक बार फिर कुबेरेश्वर धाम में रुद्राक्ष वितरण का सिलसिला शुरू होगा, जो आगामी 6 महीने तक सतत चलता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News TV, बेटमा।